हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बस शुभी के बर्थडे है, उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं, तो उसी के लिए हम पार्टी सिटी गए और वहाँ से कुछ सामान लेकर आए डेकोरेशन के लिए। कुछ नई नई चीज़ें हैं, कुछ अच्छा अच्छा सामान है, तो उसे हम डेकोरेशन करेंगे और देखते हैं उसको कैसा लगता है। और बस जितना हमारे को सामान चाहिए था पसंद का वो मिल गया और अब हम घर पहुंच गए हैं और झटपट झटपट हम लोग तैयारी में लग गए हैं कि बस फटाफट फटाफट सब हो जाए, तो बस वही कर रहे हैं अब हम। और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बस हमारी बैकड्रॉप की तैयारी हो चुकी है। ये बैकड्रॉप पीछे लग चुका है, थोड़ा सा रह गया है जो अब लगने की कोशिश हो रही है। तो जितना थोड़ा सा टाइम मिला हमने कहा फटाफट उसके अंदर कुछ कर ले, नहीं तो वो आ जाएगी तो उसको सरप्राइज़ नहीं मिल पाएगा। तो बस ये बैकड्रॉप लग चुका है और बस उसके बाद हमारे पास बलून्स हम लेकर आए हैं, वो हम लोगों ने यहाँ लगा लिए हैं और उनको कस्टमाइज़ कर लिया है। यहाँ सबसे बेस्ट पार्ट है कि चीज़ें आप अच्छे से कस्टमाइज़ कर लेते हो, और जो कस्टमाइज़ करो ना आप कुछ, तो उसके अंदर एक पर्सनल टच आ जाता है, वो बहुत अच्छा लगता है। और बस यहाँ मैं उसके लिए कस्टर्ड बना रही हूँ, उसे कस्टर्ड बहुत पसंद है, तो मेरी झटपट बनने वाली कस्टर्ड की रेसिपी है। इसके लिए मैंने थोड़े से फ्रूट्स काट लिए हैं और उनके अंदर थोड़ा सा मैं लेमन डाल दूँगी, जिससे कि मेरे फ्रूट्स बिल्कुल हल्का सा डालूँगी कि काले ना पड़े। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी चाहिए तो यूट्यूब पर आपको दी इंडियन अरोमा किचन के ऊपर रेसिपी मिल जाएगी, आप वहाँ देख सकते हैं। और बस ये झटपट फटाफट बनने वाला कस्टर्ड तैयार हो गया मेरा और ये ठंडा हुआ, हमने इसे प्लेट कर ली। बस छोटा सा एक जेस्चर है अपने बच्चे को खुश करने के लिए, बस इन छोटी छोटी बातों से खुशी मिलती है तो दिल को बहुत अच्छा लगता है, बच्चे खुश होते हैं तो। और यहाँ ये फ्रेश फ्लावर्स हैं जो हम उसके लिए लाए थे, उसे बहुत पसंद हैं। और ये छोटे छोटे गिफ्ट्स हैं कुछ उसके लिए। और साथ में पार्टी सिटी से हमारे को ये भी मिल गया था, हमने इसको भी कस्टमाइज़ कर लिया है, क्राउन भी है उसके लिए और बेल बज चुकी है, आने वाली है वो, देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं निकल गया। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। स्पेशल सरप्राइज, यहाँ दीदी जीजू और बच्चे भी आए हैं। और ये हमारा पार्टी है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बिना अपनों के तो कुछ भी कंप्लीट नहीं है, तो ये हमारी पूरी फैमिली सेलिब्रेशन के मूड में। और ये सब मैंने शुभी की पसंद की चीज़ें बनाई थी कि उसको ये सब बहुत पसंद है, तो मैंने कोशिश की कि जो जो उसे पसंद है और जो मैं इजीली बना सकती हूँ उसके लिए वो उस दिन बनाऊँ, तो उसे भी बहुत खुशी होगी और मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। और यहाँ मैंने स्पेशली उसके लिए ये केक बनाया था और जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। और ये कुछ सुनहरी यादें जो इस दिन के साथ जुड़ी हैं, जिनके बिना ये ब्लॉग अधूरा है। मैं फिर ता सजदी जदों नचे मुंडे दी पैन। ओके।
बॉयफ्रेंड, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड, नो मैनू कैंडी ना ना ना, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड, नो मैनू कैंडी ना ना ना, तेरा मेरी गर्ल तू सुन ले, ओ मैनू कैंडी ना ना ना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।